ऐसा ही होगा। हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को जितना बेहतर हो सके उतने अच्छे से उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो टॉप रैंकर्स हासिल कर सके, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और भी जो शिक्षक के अभी जो फिलहाल में जो कमियां हैं, अभी दो शिक्षक हैं हम लोग, बाकी और भी शिक्षक आएंगे, और जो हमारे नेक्स्ट मिशन है 2024, उसमें डेफिनेटली हमारा कोचिंग का परसेंट रहेगा। जरूर जरूर, ये जो कोचिंग खोले हैं हमारे अगल बगल के बच्चे जो हैं स्कूल के बाद जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, और मैं चाहूँगा कि स्कूल के साथ साथ कोचिंग में भी वो सही शिक्षा लेंगे और अपना विकास करेंगे। जी नमस्कार, मैं राजा बाबू और आप देख रहे हैं किंग न्यूज। अभी इस वक्त मौजूद है हम बिहार औरंगाबाद जिला रफीगंज मार्केट में। यहाँ पे एक हमारे बहुत ही प्यारे मित्र चंदन जी का कोचिंग का आज ओपनिंग था और उसमें मैं आमंत्रित था और यहाँ पे मैं आया हूँ। कोचिंग का नाम आपको दिखा दिया जा रहा है, देखिए ये कोचिंग का नाम है चंदन क्लासेस। अब यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं इस कोचिंग के डायरेक्टर और कुछ लोग भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और जो साथ में टीचर हैं उन लोग भी यहाँ पे हैं। हम चल करके बात करेंगे, वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए आते रहिए, यहाँ पे आते रहिए। देखिए यही कोचिंग है, ये आपका देख रहे हैं यही कोचिंग है, कोचिंग का यही क्लासेज है, इसमें ही बच्चे आकर के पढ़ेंगे। और इधर देखिए एक अभिभावक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे पहले, और उसके बाद जो इस कोचिंग के संचालक हैं डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे और सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कोचिंग, क्या उनको दिमाग में आया कि यहाँ पे कोचिंग खोलने का प्रयास किए और इस प्रकार से वो बच्चों को शिक्षा देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले आपको तो स्वागत है। सर आपका नाम क्या हुआ? रामाशीष प्रसाद। रामाशीष प्रसाद, अभी आप क्या हैं? हम राजकीय मध्य विद्यालय रफीगंज के प्राचार्य हैं जी। और अभी यहाँ पे कोचिंग खुला है, क्लासेज चंदन क्लासेस खुला है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि ये जो हमारे युवा पीढ़ी के छात्र हैं जो एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, उनको एक आंतरिक सहयोग की ज़रूरत है। उसी सहयोग के अंतर्गत इन्होंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का जो खोला है, भविष्य में इनका कोचिंग जो है वो फले फूले, सफल हो और वो आगे की ओर बढ़ें, यही कहना चाहेंगे। अच्छा, आप अपने क्षेत्रों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोचिंग खुले हैं तो आपको क्षेत्र का भी विकास होगा, जो क्षेत्र के बच्चे जरूर जरूर पढ़ेंगे? जरूर जरूर, ये जो कोचिंग खोले हैं हमारे अगल बगल के बच्चे जो हैं स्कूल के बाद जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, और मैं चाहूँगा कि स्कूल के साथ साथ कोचिंग में भी वो सही शिक्षा लेंगे और अपना विकास करेंगे। जी चलिए इस तरह से सर बताएं और इसके बाद हम चल लेंगे ये कोचिंग के संचालक अपने चंदन भाई के साथ। ये बहुत ही हमारे प्रिय मित्र भी हैं और इन्होंने ये कोचिंग यहाँ पे रफीगंज मार्केट में खोला है, तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप इस कोचिंग के संचालक हैं तो इसके नाते कुछ बताइए कि आप किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दीजिएगा। देखिए जो हमारा क्लासेस जो खुला है चंदन क्लासेस, मैं इसके माध्यम से आज के जितने भी यंग जनरेशन है मैं उनको आज के जो मॉडर्न जो आधुनिक तरीके से जो पढ़ाई की तैयारी होती है, परीक्षा की तैयारी होती है, मैं वो करवाऊंगा। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट के लिए हम लोग, हमारी एक टीम है जो इसके बच्चे के प्रति काम करेगी और बच्चे अच्छे मार्क्स ले आएंगे और पढ़कर एक बार जरूर देखें आपस। जी सर, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं भी बीटेक कर रहा हूँ, अभी थर्ड ईयर का छात्र हूँ मैं बीटेक का जी। और मेरी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा प्लस बीटेक। और अच्छा, जिस क्लासेस का जो लेवल है, मतलब क्लास बोले तो कि कितना क्लास तक ये कोचिंग चलेगा? अभी फिलहाल के लिए बिहार बोर्ड एवं CBSE दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए 1 से 10 तक के बस यहाँ पे की गई है। 1 से 10 तक बस जी। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या आपको क्लासेस में रूल वगैरह है ये सब कुछ? हाँ, हमारे क्लासेस की जो फैसिलिटीज हैं ये है कि यहाँ पास जो बच्चे पढ़ेंगे उनके रेगुलर टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होते वो होंगे, और जो बच्चे जो गरीब होंगे या फिर जो इच्छुक होंगे मेधावी छात्र होंगे उनके लिए इसमें छूट का भी प्रावधान है कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो भी डेफिनेटली यहाँ पास एकदम बेहिचक हमसे मिल करके वो बात कर सकते हैं, उनके अभिभावक मिलेंगे और उनसे उनके लिए व्यवस्था की गई है। जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए भी अलग से क्लास की व्यवस्था होगी और प्रत्येक रविवार को डॉट क्लासेस की व्यवस्था है, जो इनको कोई भी प्रॉब्लम रह जाए
और संडे को उनके लिए क्लास स्पेशल दी जाएगी। अच्छा, आप किस बुक को फॉलो कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? मोस्टली एनसीईआरटी को प्रीफर करने वाले हैं। एनसीईआरटी प्रीफर करने वाले हैं। अच्छा, अभी आप बताएं कि जो गरीब बच्चे हैं या जो कहिए इस क्षेत्र के अनाथ बच्चे होंगे, उनके लिए आप क्या मतलब कोशिश करेंगे? उनके लिए मेरा सहयोग इतना है कि मेरे पास आकर पढ़े, उनके पढ़ाई अगर वो पढ़ने पहले उनको परफॉर्मेंस के देखा जाएगा, अगर वो पढ़ने लायक हैं तो मैं उनको डेफिनेटली 100% सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा जी, मेरी तरफ से उनके फुल सहयोग रहेगा। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे, आपका इस एजुकेशन क्षेत्र में कितना एक्सपीरियंस है? मेरा एजुकेशन क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से लगातार, हमने मैट्रिक से शुरुआत किया था पढ़ाने का, तो उसे मैं नहीं मानता, लेकिन फिलहाल के लिए 5 वर्षों से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ और उसी के तहत एक उठाया गया नेक्स्ट कदम है। एक पहले मैं दूसरे इंस्टीट्यूशन में गया था, वहाँ पे दूसरे कोचिंग संस्थान में पढ़ाने का काम करते थे और ये अपना क्लासेस खोले हैं, चंदन क्लासेस। अच्छा। अभी यहाँ पे अपना हाँ, तो जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सॉरी, तो उनको आप बता दीजिए कि आपका कोचिंग का लोकेशन क्या है? या ये पता है हमारा ढाक बंगला भदवा रोड नियर बालाजी गैस एजेंसी के फ्रंट सामने में, या फिर राजकीय मध्य विद्यालय जो ढाक बंगला के पास उनके जस्ट पास में ही है, आप उन पर हमारा जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर संपर्क करके लोकेशन को भी आप ढूंढ सकते हैं, आप मुझसे मिलकर संपर्क कर सकते हैं जी। अभी आप बैच का डिसाइड किए हैं या नहीं किए हैं आप लोग? हाँ, बैच डिसाइड एक मेरा 1 मई से स्टार्ट हो रहा है बैच का। हाँ, बैच का शेड्यूल 1 मई से 10th जो 2024 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे बोर्ड के लिए उनके लिए एक बैच स्टार्ट हुआ 10th क्लास का, 3 बजे शाम 3 PM से 6 PM शाम को जी डेली। और कुछ बोलना चाहेंगे? शुक्रिया। नहीं, चलिए, थे हमारे चंदन क्लासेस के डायरेक्टर चंदन बाबू, चंदन सर, और एक और यहाँ पे टीचर हैं संतोष सर, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ के जो भी विद्यार्थी हैं लोकल, जो भी इस क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, किस तरह से वो उनको शिक्षा देंगे और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। सबसे पहले तो सर आपको स्वागत है। स्वागत सर किंग न्यूज का जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे कोचिंग खोले हैं, आपका दिमाग में क्या मतलब आता है कि यहाँ इस जगह पे आप लोग कोचिंग का उद्घाटन किए? देखिए, हम लोग रफीगंज शहर में पहली बार मतलब कि शिक्षा को जो मतलब कि अभाव है उसको हम लोग प्रिय मित्र चंदन बाबू के सहयोग से हम लोग एजुकेशन को सच्चे रूप से और आज के जो मॉडर्न है उसको अनुकूल हम लोग शिक्षा देने के लिए हम लोग रफीगंज भदवा रोड बालाजी गैस एजेंसी के पास हम लोग कोचिंग का ओपनिंग आज किया है और उसके बाद से बच्चों को शिक्षा देने का काम हम लोग मिलजुल कर करेंगे। पूरा मन तन से कीजिएगा। जी हाँ, मन तन से। ये जगह कहीं ना कहीं सर थोड़ा आउट पड़ता है मार्केट से जी, और जो भी इधर इलाका के जो मतलब बच्चे हैं उनको हम चाहेंगे कि अच्छा से उनको शिक्षा दी जाए। हाँ जी। और जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा जी। हम लोग अनाथ और गरीब बच्चे, जो मेघावी बच्चे होंगे, जो पढ़ने की इच्छुक होंगे, उनको हम लोग निःशुल्क व्यवस्था कर चुके हैं। जो बच्चा मेघावी होंगे, पढ़ने को बढ़ने में जो बच्चा मन लगाएंगे उस बच्चों के लिए। हाँ सर, आपसे एक और सवाल, आप बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? बच्चों को ऐसे तो हम लोग डिसाइड, चंदन सर बोले कि मैथ और इंग्लिश पढ़ाएंगे और अदर सब्जेक्ट साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, SST हो, वे खुद मैंने सभी फिलहाल संभालने के लिए बोले हैं जी। तो अभी आपके कोचिंग संस्थान में लगभग कितने बच्चे आने वाले हैं? अभी तो कोचिंग नया अभी है, तो लोगों को पता भी नहीं होगा, बच्चों को पता भी नहीं होगा, तो आप लोग कितना एफर्ट लगाए हैं और कितना आपको सहयोग मिला है कि बच्चे आने वाले हैं? हम लोग अभी बच्चों को अभी लगभग अंदाज से 10 बच्चे आएंगे और बच्चों को ऊपर हम लोग जाकर प्रेरित करेंगे कि यहाँ पे कोचिंग खुला है जो अच्छे हैं और अच्छे शिक्षा दी जाएगी और बच्चों के ऊपर मेहनत किया जाएगा। सर, क्या आपका कोचिंग बच्चों को भविष्य के लिए मददगार बनेगा? जी हाँ, हम लोग का बच्चों जो यहाँ कोचिंग संस्थान से पढ़कर जाएगा उस मतलब इसे अगला जो होता है फ्यूचर के लिए यहाँ से मोटिवेट करके यहाँ से भेजा जाएगा। चलिए, ये हमारे चंदन सर के सहयोगी संतोष सर थे जो इनको अभी साथ दे रहे हैं इस कोचिंग में और इन दोनों ने मिल करके इस जगह पे कोचिंग को उद्घाटन किया है और चलाने का निर्णय लिया है। तो इस क्षेत्र के जो भी मतलब देख रहे हैं विद्यार्थी या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग इस कोचिंग में
अपने बच्चों को भेजिए, और जो छात्र देख रहे हैं हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग इस कोचिंग में आइए और यहाँ के सर से पढ़कर देखिए किस तरह से आपको बताते हैं, क्या समझाते हैं। कम से कम आप एडमिशन तो नहीं, लेकिन 5-6 दिन में आपको पता चल जाएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। और मुझे विश्वास है, जहाँ तक कि मैं भी चंदन सर के काफ़ी करीब हूँ, तो मुझे विश्वास है कि सर ने भी काफ़ी योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में और काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा शिक्षा देने का काम करेंगे। और मैं सर से भी कोशिश करूँगा कि सर, जिस तरह से मैं आज आपसे मिलने आया हूँ और आज हमें आप इन्वाइट किए हैं, हम चाहते हैं कि आप बच्चों को इस तरह से शिक्षा दीजिए, इस तरह से पढ़ाइए कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें आपका कोचिंग के बच्चा बिहार में टॉप आए या तो कहिए जिला में अपना स्थान लेकर आए। और इसके बाद हम फिर से चलेंगे, लास्ट इस कोचिंग के डायरेक्टर चंदन सर से बात करेंगे। सर, मुझे कहना यह है कि जिस तरह से आप मुझे आज इनवाइट किए और हमें बुलाएं, हम चाहते हैं कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें आप बच्चों को इस तरह से सहयोग कीजिए, इस तरह से मदद कीजिए, इस तरह से पढ़ाइए कि आपके कोचिंग का बच्चा पूरा बिहार में स्थान लाए और जिला में स्थान लाए, और उसके बाद मैं फिर से आपके कोचिंग को देखने आऊँ और आपको इंटरव्यू लेने आऊँ और आपके बच्चों का इंटरव्यू लेने आऊँ। यस सर, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को जितना बेहतर हो सके उतने अच्छे से उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो टॉप रैंकर्स हासिल कर सके, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और भी जो शिक्षक के अभी जो फिलहाल में जो कमियाँ हैं, अभी 2 शिक्षक हैं हम लोग, बाकी और भी शिक्षक आएंगे, और जो हमारे नेक्स्ट मिशन है 2024, उसमें डेफिनेटली हमारा कोचिंग का पर्सन रहेगा। चलिए, इस तरह से आप देखें, और हम फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग जो भी इस क्षेत्र से हैं, रफीगंज, सर लोकेशन क्या बताएं? डाक बंगला भदवा रोड, बालाजी गैस एजेंसी के सामने। डाक बंगला भदवा रोड, बालाजी गैस एजेंसी के सामने ये कोचिंग है चंदन क्लासेस। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे आकर जरूर पढ़ें। और इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो करिएगा, और अगर चैनल पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बार फिर जाते जाते कहेंगे कि अगर आपको भविष्य बनाना है, 2024 में बिहार में स्थान लाना है, तो आप हमारे चंदन क्लासेस में आकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए हमारे चंदन सर तैयार हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।